क्या आप भी मेरे तरह लेदर आर्मर से परेशान हो गए हो? अरे रुक जा, लेदर आर्मर को तो कोई पूछता भी नहीं। क्या आप भी मेरे तरह डायमंड आर्मर से परेशान हो गए हो? हाँ। और मेरी तरह नेदराइट आर्मर भी पसंद नहीं आ रहा? तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ $1,000,000 गॉड आर्मर। मैं किसी एडवर्टीजमेंट गाय जैसे क्यों साउंड कर रहा हूँ? तो अगर आपको भी ये गॉड आर्मर देखना है तो फटाक फटाक इस वीडियो पर लाइक मारो, जल्दी मारो यार, इमोशनल अत्याचार कर करके मैं परेशान हो चुका हूँ। तो यस गाइज, आज की वीडियो में हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं गॉड आर्मर, लेकिन इसे क्राफ्ट करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। इसके लिए 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो आज थोड़ा सा मेहनत लगने वाला है। तो सबसे पहले हम लोगों को जाना है यहाँ पे, एंड यहाँ से हम लोगों का जर्नी चालू होता है। अरे रुक जाओ, ये कौन सा अंधेरे कोने में मुझे भेज दिया? हेलो, यहाँ पे कोई चुड़ैल ये सब नहीं ना है? एंड ये क्या है मेरे हाथ में? अच्छा, पहले हम लोग ये क्राफ्ट कर सकते हैं। अरे ये तो घटिया जैसा लेदर आर्मर लग रहा है, ये गॉड आर्मर थोड़ी है। तुम्हारे भाई के साथ फ्रॉड हो गया। नहीं नहीं, मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, फ्रॉड नहीं हुआ। पहले हम लोग को ये आर्मर बनाना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग गॉड आर्मर बना सकते हैं। तो पहला आर्मर बनाने के लिए शायद हम लोगों को ये ग्रे वाले ब्लॉक्स तोड़ने होंगे। अरे ये कैसे टूटेगा, यहाँ पे तो ढेर सारा रेल लगा हुआ है। अच्छा वो वाला तोड़ता हूँ, चलो इसे तोड़ के देखते हैं। एंड ये क्या लिखा हुआ है? क्राफ्ट वुडन नगेट्स फ्रॉम दिस इन्फेक्टेड वुड। पहली बार मैंने वुड को वुड नहीं बोला। ओके कोई नहीं, तो हम लोगों को पहले ये सारे इन्फेस्टेड वुड कलेक्ट करने पड़ेंगे। शायद मैंने इस बार फिर से गलत बोल दिया। अरे क्या करूँ, छपरी यूनिवर्सिटी से मैंने इंग्लिश सीखा है ना। अरे भाई मेरे सर के ऊपर ये क्या लगा दिया इन लोगों ने, अजीब लग रहा है। तो दो कलेक्ट कर लिया है, इधर रहा तीसरा वुड, यस इस बार सही बोला। एंड ये रहा फोर्थ। अरे इसे कैसे तोड़ू, यहाँ पे तो ढेर सारे फूल पत्ती है। हेलो ये वाला तोड़ता हूँ पहले। अरे नहीं ये नहीं टूट रहा है। अरे कैसे करूँ मैं, मैंने 3 कलेक्ट कर लिए हैं, मुझे और 5 और चाहिए। अरे ये देखो यहाँ पे एक और है। तो 4 कलेक्ट कर लिए हैं मैंने, इसे कैसे तोड़ू मैं? अपना बिग ब्रेन लगाना पड़ेगा। यहाँ कहीं साइड से तोड़ सकता हूँ मैं? ना नहीं तोड़ पा रहा हूँ। और रुक जा, इधर से तोड़ पा रहा हूँ, ये देखो। एंड 5 मिल गए मुझे, तो अब बस मुझे 3 और नगेट चाहिए। एंड एक ऑलरेडी है मेरे पास, तो बस 2 नगेट और चाहिए। अब ये बचे हुए 2 नगेट, एक वहाँ रहा दूसरा वहाँ रहा, तो मुझे शायद ऊपर जाना पड़ेगा। वेट ए सेक, वहाँ कैसे जाऊँ मैं? यहाँ पे कहीं पे रास्ता तो दिख नहीं रहा है मुझे। लगता है अपना पकोड़ा स्किल दिखाना पड़ेगा। तो मैं अपना पकोड़ा स्किल कहाँ से दिखाऊँ? क्या यहाँ से ऊपर चढ़ सकता हूँ? ना नहीं चढ़ पाऊंगा, शायद यहाँ से चढ़ पाऊँ मैं ऊपर। ट्राई करता हूँ, लेट्स डू दिस। ओके, मैंने एक बार में कर लिया। तो अब तो ये आसान हो गया है, यहाँ से हम लोग ये आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कलेक्ट करो इसे, एंड अब इसे कलेक्ट करना है। क्या मैं उतनी दूर पहुंच भी पाऊंगा? आराम से। अरे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, क्या करूँ? अरे ये कैसे होगा, मैं यहाँ पे तो ब्लॉक्स भी नहीं प्लेस कर पा रहा हूँ। व्हाट द हेल, ऐसे जंप कर करके तोड़ पा रहा हूँ। ओके, ये जंप करके टूट रहा है। तो अब बस मुझे इसे ऐसे जंप कर करके तोड़ना है। भाई ये थोड़ा टाइम लेने वाला है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट टूटने वाला है। एंड ये टूट गया, मेरा एक्स भी टूट गया। लेकिन चलो, तो हम लोगों ने टोटल कलेक्ट कर लिए हैं 7 इन्फेक्टेड वुड, और इन्हें कलेक्ट करने के लिए मुझे क्राफ्टिंग टेबल चाहिए, जो कि मैं कैसे कलेक्ट करूं, ये सब वुड तो टूट ही नहीं रहे हैं। अरे लगता है मुझे फिर से अपना डिटेक्टिव स्किल यूज करना पड़ेगा। यहाँ कहीं पे क्राफ्टिंग टेबल छुपा हुआ होना चाहिए, पता लगाओ दया। एंड ये देखो मुझे क्राफ्टिंग टेबल दिख गया, बड़ा खतरनाक जगह पे छुपा रखा था इन लोगों ने। तो मुझे यहाँ से फिर से अपना पकोड़ स्किल दिखाना पड़ेगा। फेल हो गया वंस अगेन, इस बार भी फेल हो गया, बार तीन बार। ओके, इस बार फेल नहीं हुआ। तो ये देखो ये रहा क्राफ्टिंग टेबल, यहाँ पे तो मैं इजिली पहुंच जाऊंगा, बस नीचे ना गिरूं। ओके नीचे नहीं गिरा, तो अब इसे यूज कैसे करूं मैं? ओके ये जंपिंग जपाक करके यूज करना है, यस इस तरह यूज करना है। तो इसे अब कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे वुडन नगेट में। एंड अब फाइनली ये घटिया सा चेस्ट प्लेट हम लोग बना सकते हैं। कोई बात नहीं, अभी इसी से काम चलाते हैं। एंड ये मैं कहाँ पे आ गया, वुडन चेस्ट प्लेट मेक्स यू इनविंसिबल फ्रॉम स्केलेटन्स एरोज। ओके, तो इस हड्डी की एरो मुझ पर लगी नहीं रही है। क्या हुआ, मारो मुझे, मारो, मार नहीं सकते बॉब द स्केलेटन, मारो ना, क्या हुआ, मारो। अरे मार रहा है सच्ची में। अच्छा तो हम लोग दूर रहेंगे तब इसका एरो नहीं लगेगा, ये देखो इसका शॉट। अरे लग रहा है इतनी दूर से, हाँ अब नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, ये हड्डी तो मेरे लिए बिल्कुल खतरा नहीं है, इसे तो मैं ऐसे मारूंगा, कभी लेफ्ट से कभी राइट से। मैं तुम लोगों को अपना पीवीपी स्किल दिखा रहा हूँ, ये देखो, कभी देखा है किसी को इतना मस्त तरीके से हड्डी को मारते हुए? ओके, तो ये हड्डी तो गया, तो चलते हैं अब हम लोग यहाँ पे। एंड लेवल 2 अनलॉक हो गया, तो वो था वुडन चेस्ट प्लेट। अब देखते हैं हम लोग कौन सा चेस्ट प्लेट बना सकते हैं। ये कैसा अजीबोगरीब है, ये तो स्नो चेस्ट प्लेट लग रहा है। एंड इसके लिए हम लोगों को 12 स्नो फ्लेक्स चाहिए। तो ये देखो ये तो आसमान से गिर रहा है, क्या इसे कलेक्ट कर सकते हैं? यस कलेक्ट कर सकते हैं। चलो स्नोफॉल का मजा लेते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में तो मैंने कभी स्नोफॉल देखा नहीं।
7 कलेक्ट कर लिया है, 8 कलेक्ट कर लिया है, बस 4 और चाहिए। भाई ये देखो स्नोफ्लेक्स का डिजाइन कितना मस्त होता है, एंड 12 मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। तो अब क्या करना है, लगता है फिर से क्राफ्टिंग टेबल ढूंढना है, कहीं इधर उधर छुपा होगा। हेलो क्राफ्टिंग टेबल भैया। ओ ये देखो मिल गया, लेट्स गो। ये क्या हुआ, व्हाट द हेल। अरे मैं गायब होके वहाँ पे आ गया, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, लेट्स गो। ये देखो मैं गायब होके बार बार यहाँ पे आ रहा हूँ। अरे कैसे क्राफ्ट करूँ फिर, मैं यहाँ पे बार बार गिरता हूँ तो गायब हो जाता हूँ मैं। कूद के फटाक से राइट क्लिक करना होगा। नहीं क्या इस बार मैं, अच्छा इस बार मैं ब्लॉक्स को तोड़ सकता हूँ, तो ऐसे करना था मुझे। ओके ये पहले नहीं बोल सकते थे तुम लोग, तो अब तो ये आसान हो जाएगा। अरे फिर गायब हो गया मैं, रुक जाओ इसे तोड़ के देखता हूँ। अब मैं, यस अब मैं फाइनली क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो चलो ये स्नो वाला चेस्ट प्लेट भी क्राफ्ट कर लेते हैं, तो अब देखा जाए इस स्नो चेस्ट प्लेट से क्या होता है, लेट्स गो। ओके तो ये देखो इससे ये होता है, इन लोगों के ऊपर लगातार स्नो वाला अपने आप गिरते जा रहे हैं, बिचारों के लिए मुझे बुरा लग रहा है। चलो मैं ही इन लोगों को मार के टपका देता हूँ। अरे ये लोग मुझे डैमेज दे रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से मैं तुम लोग को अपना पीवीपी स्किल दिखाता हूँ। मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ, अरे मैं ही मर जाऊंगा। अरे यार जल्दी मरो ना तुम लोग, क्या इतना डांस कर रहे हो और चिल्ला रहे हो। तो ये आखिरी बचा है, भाई तू भी गया, एंड ही इज ऑल्सो डेड। तो अब चलो अगले लेवल की तरफ चलते हैं हम लोग। एंड भाई ये देखने में खतरनाक लग रहा है, पता नहीं ये कौन सा चेस्ट प्लेट होगा। चलो चलते हैं, लेजर चार्ज। ये क्या, इन लोगों ने मुझे लेजर चार्ज दे दिया। ओ यहाँ पे कोई है, ये देखो यहाँ पे ब्लू कलर के भी लेजर्स हैं, क्या इससे मैं इन्हें मार सकता हूँ। ओ यस मार सकता हूँ। ओके तो इस लेवल में हम लोगों को यही करना है, उछल उछल के इन लोगों का टकला फोड़ना है। अरे यार ये लेजर तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, इसका टकला बहुत लेट से फूटा। तो आई थिंक सबको मार तो दिया मैंने, कहीं कोई बचा हुआ है। ओ ये देखो ये बचा हुआ है, येलो इसका भी टकला फोड़ दिया मैंने, तो और भी कोई बचा हुआ है। ओ ये सभी भी बचा हुआ है, चलो इसका भी टकला फोड़ देता हूँ। देख रहे हो गाइस मेरा एम, अभी तक मैंने एक भी शॉट मिस नहीं किया। तुम्हारा भाई खिलाड़ी है, एंड सभी को मार दिया मैंने। और ये सब क्या है भाई, ये सब देखने में अच्छा, लेजर एमरल्ड है। ओके ओके सभी को कलेक्ट करना है, पहले बहुत सारे हैं, तो 10 कलेक्ट कर लिया है, 11 कलेक्ट कर लिया है, और भी कलेक्ट करना है क्या। ये हो गया 12, एंड ये मिल गया रेसिपी हम लोगों को। तो हम लोगों को 12 ही लेजर एमरल्ड चाहिए, तो अब बस क्राफ्टिंग टेबल ढूंढना है, एंड फिर उसके बाद फाइनली हम लोग अपना गॉड चेस्ट प्लेट बना पाएंगे। एंड ये क्राफ्टिंग टेबल ये रहा, इसे तो इस बार एकदम ओपन में रख दिया इन लोगों ने, तो लेट्स गो इसे भी क्राफ्ट कर लेते हैं। एंड ये बन गया हमारा लेजर चेस्ट प्लेट, इससे क्या होता है देखते हैं। स्ट्राइक्स विंडिकेटर विथ अ डेडली बोल्ट, तो शायद इनके नजदीक मैं जाऊंगा तो इन पे बिजली अटैक होगा। ओ माय गॉड भाई 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 ये क्या हुआ भाई, मेरी तो फट गई। ये देखो इनके नजदीक जाता हूँ तो इनका टकले पे बिजली गिर जाता है, अरे डराया मत करो। तो चलो ये भी लेवल कंप्लीट हो गया, अब बचा है आखिरी लेवल। इसी लेवल में हम लोग फाइनली अपना गॉड चेस्ट प्लेट बना पाएंगे, तो लेट्स गो। ये क्या लिखा हुआ यहाँ पे, और अब ये कहाँ भेज दिया मुझे। अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे अपना पकोड़ा स्किल लिखाना पड़ेगा। और ये सब क्या दे दिया, स्मॉल लेविटेशन, मीडियम लेविटेशन, बिग लेविटेशन। ट्राई करता हूँ क्या होता है इससे। हेलो ओ ओ ये क्या हो रहा है, मैं तो हवा में उड़ने लगा, व्हाट द हेल। भाई डायरेक्ट मुझे यहाँ पे भेज दिया, तो फिर पकोड़ करने की जरूरत क्या। अरे तो अब मैं क्या करूँ, जाना कहाँ, इधर यहाँ जाना है क्या। हेलो अरे जा भी नहीं पा रहा हूँ इस साइड। ब्रो बता दो सीढ़ी से ऊपर जाना है, फिर यहाँ पे जाना है, शायद पकोड़ करना ही पड़ेगा। ओके चलो चलो तुम लोगों को मैं अपना स्किल दिखाता हूँ, ये देखो एक बार फिर से देखो। नहीं देखो ये सब कभी कभी होता रहता है, चिंता मत करो, फिर से करके दिखाता हूँ ना। वंस अगेन, ओके नहीं गिरा, वंस अगेन गिर गया, एक बार और फिर से नहीं गिरा, और यहाँ पे भी मैं नहीं गिरूंगा। और अब क्या, यहाँ पे कैसे करना है भाई, ये तो देखो अच्छा लगातार मैं चल सकता था, मैं गधे की तरह रुक क्यों गया। तो ये देखो यहाँ पे बस मुझे रुकना नहीं था, एंड अब क्या करना है, यहाँ जंप करना है आई गेस। ओके इधर ही जंप करना था, तो मुझे मिल गया है येलो उल, एंड अब सही में मुझे ये सारा पार्कोर करना पड़ेगा। रुक जाओ कोशिश करने की, ट्राई करता हूँ, एंड मुश्किल है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये सब तो दिया है मुझे, ये सब से क्या होगा। ओ ये देखो भाई भाई भाई, ये तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही कर सकता हूँ। अरे तो फिर ये सब पकोड़ करने की जरूरत क्या है, हम लोग अपना टाइम बचाते हैं, टाइम इज मनी। तो शायद फिर से यहाँ पे जंप करना है, एंड अब फिर से कोई न्यू मैप दे देंगे ये लोग, पता था मुझे। भाई ये सब मुझे 10-15 बार करना है भाई, ये कैसा मजाक है। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर तुम को तो पता ही है टाइम इज मनी। ओके टाइम इज मनी, हम लोग ऐसे करके डायरेक्ट जा सकते हैं ऊपर। नहीं
अरे डायरेक्ट टॉप पे नहीं जा पा रहा हूँ तो पहले मुझे यहाँ कहीं पे रुकना पड़ेगा। लेट्स गो, यहाँ पे रुकता हूँ एंड फिर यहाँ से मुझे दोबारा पकोड़ करना पड़ेगा। लेट्स गो। अरे यार ये डैमेज होना बंद होगा, ये कैसा अजीबोगरीब रेड कैक्टस दे दिया इन लोगों ने। ओके ओके नीचे मत गिरना, ठीक है आ गया। वंस अगेन नीचे मत गिरना, ओके फिर से हेयर एंड यहाँ पे। तो अब चलो नीचे चलते हैं, ये मैप भी कम्प्लीट हो गया और अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। देखो गाइस टाइम इज मनी, किसी इपिक व्यक्ति ने कहा है अगर तुम टाइम बचाओगे तो खूब पैसा कमाओगे, ऐसा कहने वाला मैं ही हूँ। तो गाइज अब तो मैं इन सभी का यूज कर करके मैप कंप्लीट करने वाला हूँ। भाई बहुत सारा मैप है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो चलो एक बार फिर से यूज करते हैं एंड चलते हैं नेक्स्ट मैप के तरफ। ऐसे कर करके हम लोगों को ढेर सारा उल कलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी भी 1 2 3 4 उल और कलेक्ट करने हैं। ओके, तो ये बस आखिरी जंप यहाँ पे करना है। लेट्स गो, ये कर दिया मैंने एंड आखिरी उल भी हम लोगों को मिल गया। तो फाइनली अब हम लोग अपना $1 million गॉड आर्मर बना सकते हैं। तो ये देखो इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी ये रही, मुझे हर तरह का ब्लॉक यूज करना है एंड यहाँ पे तो ज्यादा ब्लॉक लग रहे हैं, इतने ब्लॉक तो मेरे पास है भी नहीं। व्हाट द हेल, ये क्या करना है? कलर ब्लॉक डुप्लीकेटर, प्लेस एन आइटम हेयर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ब्लॉक्स को रख के डबल कर सकते हैं। ट्राई करता हूँ एंड एक्सक्यूज मी, क्या हुआ, डबल तो नहीं मिला मुझे। इधर देखता हूँ, ओके ये देखो यहाँ पे डबल हो गया। अच्छा तो ये करना है, ठीक है सभी को लगातार डालता हूँ, क्या ऐसा होता रहेगा। एंड ये आखिरी को डाल दिया तो अब मुझे सब कुछ डबल मिल जाना चाहिए। एंड ये देखो सब कुछ डबल डबल मुझे मिल गया, तो अब हम लोग फाइनली गॉड आर्मर क्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये रही रेसिपी एंड ये रहा क्राफ्टिंग टेबल। अरे कैसे क्राफ्ट करूँ, क्राफ्टिंग टेबल खुलता हूँ तो ये तो गायब हो जाता है। कुछ कुछ रख रख के क्राफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है अब ये सब रखना है। तो सारे ब्लॉक्स मैंने प्लेस कर दिए हैं, अब बस ये आखिरी यहाँ पे डालना है एंड टडा, ये बन गया हमारा गॉड चेस्ट प्लेट। चलो देखा जाए इसकी पावर क्या है। अरे ये डायमंड थोड़ी है जो मुझे ये एडवांसमेंट मिल रहा है, पता नहीं, लेकिन चलो इसे ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी। ओ भाई ये क्या हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे, पिक्सेलेटिंग, प्लीज वेट, व्हाट द हेल। ओ भाई ये सब ज़ॉम्बीज को देखो क्या हो गया। एंड ये देखो भाई ये लोग तो पूरा गायब हो गए हैं। गाइस उन ज़ॉम्बीज का तो नामो निशानी मिट गया। तो यही था हमारा गॉड चेस्ट प्लेट, जहाँ पे ज़ॉम्बीज उठते नहीं उठ ही जाते हैं। तो यस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।